भाभी। हाँ सुशीला। आओ जरा। आ रहे। एक बात बताओ राजकुमारी जी। जी। तुमने अभी अभी अपने लाने ये गर्मा गर्म पूड़ियां तली? जी। अच्छा, तो एक काम करो, राजा साहब से कह के अगले महीने का राशन और भरवा दो हमारी रसोई में। जी, हम समझे नहीं। समझे तो हम भी ना है कि जब कल को इतो सारो खानो बचो पड़ो है तो तुम ये गरम गरम ताजी ताजी पूरियां तल के क्यों खा रही हो? पहले बासी निपटाओ। जी। नौकरानी हो फाका करने ना कह रहे हैं, लेकिन रोज रोज गरम गरम परोस के तो ना खिला सकते हैं ना। पहले बासी निपटाओ जे, रात को खा लेना। जी, परंतु बासी भोजन कहाँ है? जे राव फ्रिज और जे रहा बासी खाना। बकोस लो। अद्भुत, इस यंत्र के भीतर तो बहुत ठंडा है। हमने केवल सुना था काबुल में जब कोई प्राण सुधार देता है तो उनके शरीर को भी ऐसे ही किसी शीतल स्थान ग्रह में रखा जाता है ताकि उनका शव सड़ ना जाए। ये भोजन ताजा तो लग रहा है, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसका पोषण मर चुका है। राधे राधे जी, लड़की क्या उलझलूल भक रही है? अच्छे खासे फ्रिज को खाने का मुर्दा घर बना दो, तुम ही निपटो। सुनो स्त्री, खानो है तो जई खाना खाओ, ना है तो मरो भूखी। चलो भाभी, ये फ्रिज में रख देना। सभी दास दासियां सुन ले, कल रात्रि के महाभोज में जो भोजन बच गया है, सभी दास दासियां बचे हुए भोज से अपना भोजन ग्रहण करें। जी नहीं। महाराज जी, ये भोजन तो बासी है, यदि ये हमारे और महाराज युवराज के खाने योग्य नहीं तो कोई भी दास और दासी से ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी, आप इन्हें पशु पक्षियों को खिला दीजिए, इससे भोजन का निरादर भी नहीं होगा, भोजन व्यर्थ भी नहीं होगा। और रही बात हमारे राजकर्मियों की, तो ये भी तो हमारी तरह इंसान है, और हमारे कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान में स्वयं भगवान बसते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी स्वयं भगवान को बासी भोग चढ़ाया? नहीं ना। तो ये सब भी वही भोजन ग्रहण करेंगे जो हम खाते हैं। राजकुमारी तारा प्रिया की जय। राजकुमारी तारा प्रिया की जय। मान गए राजकुमारी जी, आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपने जिस तरह आज हम सबका साथ दिया है, खुदा हमेशा आपका वैसे ही साथ दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।